तो आज हम बनाने जा रहे हैं दही वाली भिंडी। जी हाँ, वैसे तो ये रेसिपी बहुत पॉपुलर है, शादी में पार्टीज़ में लोग बनाते हैं, बट इस रेसिपी की भी बहुत वेरिएशन है। तो यही दही वाली भिंडी मैं एक वेरिएशन के साथ, कुछ मसालों के ट्विस्ट के साथ आज ही बनाने जा रही हूँ। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी। वैसे तो ये चटपटी सी होती है, हल्की स्पाइसी होती है, और ये किसी भी एज अ साइड डिश या मेन कोर्स में भी आप यूज़ कर सकते हैं, लंच में, ब्रेकफास्ट में, इनफैक्ट डिनर में कभी भी बना सकते हैं, और ये सभी को पसंद आती है। तो आइए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डेजी और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल tikhatakka.com में। तो सबसे पहले मैंने भिंडी लिया है, भिंडी को मैंने धोकर सुखा लिया है। इनफैक्ट ये पूरा सूखा नहीं है, बट मैंने कोशिश की है थोड़ा सा सॉफ्ट ऑयल से इसे पोंछने की, क्योंकि अगर भिंडी भीगी होगी तो बहुत चिपचिपी हो जाती है काटते वक्त। मैंने इसमें बीच से एक स्लिट लगाया है जस्ट टू चेक कि अंदर सड़ा नहीं हो भिंडी या फिर कीड़ा नहीं हो। और दूसरी बात यह कि स्लिट लगाने से जब हम इसे पकाएंगे तो मसाले इसके अंदर चले जाते हैं। तो इस तरह से मैं अपनी सारी भिंडी को दोनों एंड्स काट के बीच से स्लिट लगाकर एक साइड रखूंगी। ये देखिए, अगर हल्के हाथों से कट करने पे भिंडी ना कटे तो समझिए कि वो आप नहीं पका सकते, वो भिंडी ख़राब होती है, हार्ड होती है और वो कभी नहीं पकेगी, तो उसे सीधे फेंक दें। मैं ऐसी भिंडी को साइड रख रही हूँ। ये देखिए, मैंने सारी भिंडियों को काट के एक जैसा रख लिया है। अब मैं जब भिंडी को पकाने जाऊंगी तो जो तड़का डालूंगी उसकी तड़के की तैयारी करूंगी। तो मैंने कुछ ग्रीन चिलीज लिए हैं, ये तीखे वाले हैं, अगर आपको ज़्यादा तीखा नहीं चाहिए तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। मैंने ग्रीन चिलीज को स्लिट किया है, बीच से साइड किया, और अब मैं अदरक के पतले पतले टुकड़े काटूंगी। जी हाँ, ये जो पतले पतले जो हम काट रहे हैं, जूलियंस काट रहे हैं अदरक के, तो मैं बता दूं जब ये तड़का लगाएंगे हम इसे कद्दूकस भी कर सकते थे, बट जब हम तड़का लगाएंगे इसका तो ये बहुत ही क्रिस्पी हो जाता है और बड़ा अच्छा से एक टेस्ट आता है भिंडी और दही के साथ। तो इसलिए हम इसे इस तरह से ही जूलियन की तरह काटेंगे। ये देखिए, अदरक भी कट गया है, इसको भी मैं साइड रखूंगी। और अब मैं इसके साथ तड़के के लिए लहसुन को छीलने वाली हूँ। इसके साथ ही मैं आपको एक टिप देना चाहूंगी, अगर आपको लहसुन छीलना हो तो आप लहसुन के पूरे पॉड को माइक्रोवेव में 30 सेकंड्स के लिए डाल दें। जी हाँ, अगर 30 सेकंड के लिए आपने माइक्रोवेव में डाला इसे तो ये अपने आप ही फट जाता है, लहसुन थोड़ा सा पक भी जाता है और वो सारे पॉड जो होते हैं वो निकल जाते हैं, टूट जाते हैं, उससे बाहर आने लगते हैं और ये छीलना बहुत आसान हो जाता है, ऐसा लगता है बस एक कवर लगा। ये देखिए, मैं कितनी आसानी से लहसुन निकाल रही हूँ, इसके छिलके बहुत आसानी से निकल रहे हैं। अब इसको भी मैं जूलियंस काटूंगी, ज़्यादा पतला काटने की ज़रूरत नहीं है, बस मुझे एक लहसुन का 3 पतले पतले टुकड़े काट रही हूँ। इसके भी सारे टुकड़े जब कट जाएंगे मैं इसको साइड रखूँगी और फिर हम एक पैन गरम करेंगे। ये देखिए, लहसुन हो गया है, इसको साइड रखा, और आइए अब मेरा पैन भी गरम हो चुका है। तो अब हम अपनी कुकिंग शुरू करने वाले हैं। तो पैन को मैंने थोड़ा सा ग्रीस किया है, बस 2-4 ड्रॉप्स तेल के साथ, और इसमें मैं भिंडी को सूखा सूखा पकाऊंगी। जी हाँ, हमें ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं है, बस इसे थोड़ा सा ड्राई करना है और 60-70% कुक करना है। तो जी, जब ये थोड़ा सा पक जाए 3-4 मिनट, तो ये थोड़ा ड्राई हो जाएगा, उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा नमक डालूंगी। अगर आपने शुरू में ही नमक डाल दिया तो इसमें जो इसका जो पानी होता है उस पानी के साथ मिक्स होकर ये नमक, ये भिंडी पूरी चिपचिपी हो जाएगी, हमें वो नहीं चाहिए। दूसरी तरफ हम मसाला तैयार करेंगे दही वाला। तो मैंने 2 बड़े चम्मच दही लिया है, इसमें थोड़ा हल्दी डालूंगी, थोड़ा धनिया पाउडर डालूंगी, थोड़ी लाल मिर्च डालूंगी और जीरा पाउडर डालूंगी। नमक मिक्स किया और अब मैं 2 चम्मच बेसन के डालूंगी। इसे अच्छे से मिक्स करें। ध्यान रहे, अगर आपको तीखा नहीं चाहिए तो आप नॉर्मल चिली की जगह कश्मीरी चिली यूज़ कर सकते हैं, जिससे कलर आएगा बट तीखा नहीं होगा। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसे विस्क करूँगी
थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिक्स करने से ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है, लम्प्स नहीं बनते हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं कर रही हूँ। और अब देखिए मैंने एक बिल्कुल पतला सा बैटर की तरह बना लिया है और ये अच्छे से मिक्स हो गया। इसको साइड किया, दूसरी तरफ ये देखिए हमारी भिंडी भी पक गई है। इसको मैंने एक प्लेट में निकाला, ये देखिए कितनी टेम्पटिंग लग रही है। आप इस भिंडी को ऐसे भी खा सकते हैं, ऐसे ही हमने इसमें नमक डाला है, तो बिना किसी मसाले के भी अगर आप इसको खा के बीच में ट्राई करिए बहुत टेस्टी लगती है। चलिए अब सेम पैन में मैंने थोड़ा तेल डाला है, जीरे का तड़का डाला है और इसमें अब अपने काटे हुए मैं लहसुन डालूंगी। लहसुन 30 से 40 सेकेंड हमें मीडियम आंच पे फ्राई करना है। जब वो हल्का सा ब्राउन हो जाएगा तो हम अब अपने कटे हुए अदरक और हरी मिर्च डालेंगे। ये देखिए ये हल्का सा ब्राउन होने लग गया है, तो अब ये परफेक्ट टाइम है, हम अदरक और हरी मिर्च डालेंगे और डाल के इसे भी बस 30 सेकेंड्स तक ही पकाना है ताकि वो क्रिस्पी हो जाए। ऐसे भी तेल और हरी मिर्च, अदरक और हरी मिर्च तेल में जाते के साथ बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है, तो इसे जलाने की ज़रूरत नहीं है, बस 30 सेकेंड्स एंड इनफ। ये देखिए हो गया। अब हमने जो दही और बेसन का घोल बनाया था वो मैं इसके अंदर डालूंगी। हमारे उस दही में जो घोल है उसमें सारे मसाले हैं, इवन नमक तक है, तो हमें कुछ भी नहीं डालना है, बस इस तड़के के साथ इसको पकाऊंगी। इसे धीमी आंच पे पकाएं ताकि दही के साथ जो मसाले हमने मिक्स किए हैं वो अच्छे से पक जाए। धीमी आंच पे 5 से 6 मिनट पकाएंगे तो ये बिल्कुल अच्छे से पक जाएगा। ये देखिए ये बॉयल होने लगा है। अब हम इसमें अपने भूंजे हुए भिंडी डालेंगे, हल्का सा हिलाकर इसे ढक दें, बस अच्छी तरह से फैला दें ताकि ये कोटिंग भिंडी के ऊपर आ जाए, मसालों की वो फ्लेवर भिंडी के अंदर चली जाए। तो हम अच्छे से फैलाकर और इसे ढक देंगे, ढक के 2 से 3 मिनट के लिए आप इसे पकाएं, उसके बाद हम चेक करेंगे, क्योंकि हमें ये भिंडी ड्राई चाहिए, तो हम देखेंगे कि कंसिस्टेंसी कितनी है, कितना थिक है, हमें बिल्कुल ये ड्राई चाहिए। तो आइए चेक करते हैं। ये देखिए ये भिंडी पक गई है, बहुत ही खूबसूरत लग रही है, बट मुझे लगता है इसकी ग्रेवी मुझे कम चाहिए, मुझे थोड़ा सा ये मसाले जो फैल रहे हैं वो नहीं चाहिए, इसे थोड़ा सा और ड्राई करना है, तो मैं बस 1 मिनट और इसको ढककर पकाना चाहूंगी, थोड़ा सा और ड्राई करना है मुझे इसको, वैसे ही धीमी आंच पे ढक दे। आइए अब देखते हैं। ये देखिए हमारी भिंडी परफेक्ट पक गई है, मुझे इतनी ही पकी हुई, इतनी ही ड्राई सब्जी चाहिए थी। इसे आप पूरी, पराठे, इनफैक्ट दाल चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये देखिए ये कितनी अच्छी दिख रही है, ये बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और ये आपको कैसी लगी या आपने ट्राई किया और ये कैसी बनी एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। और ऐसी ही मज़ेदार वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।